व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। देखिए, आप लोगों ने एडिसन के बारे में सुना होगा। जब उन्होंने बल्ब बनाया तो बहुत सारी असफलताओं का सामना उनको करना पड़ा, और तब जाकर उन्होंने उनसे असफलताओं से सीख कर वो आगे बढ़े, और तब जाकर वो लास्ट में अपने आप को परफेक्ट घोषित कर पाए और जो उनको बनाना था वो बना पाए। और उसकी वजह से आप लोग आज की डेट में देख सक रहे हैं कि हम कितना फायदा उठा रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर स्टार्टिंग में आप लोग कोई काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि स्टार्टिंग में आप उसको एकदम परफेक्ट तरीके से कर पाएंगे। आप लोगों को क्या करना होता है, वो काम आप लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया, फिर आप लोगों को रिसाइकिल में चलना होता है। जहां जहां पे भी कोई गलती आ रही है उन गलती को सुधारते जाइए और अपने आप को बढ़ाते जाइए, आगे बढ़ते रहिए और गलती को सुधारते रहिए। ये काम हम लोगों का चलता है लाइफ में। तो कुछ ऐसा ही आप लोगों को देखने को मिलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, बनाने के बाद में अडेप्ट कर दिया गया, पर लेकिन उस टाइम पर भी ये पता था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं को कि ये देखिए एक परफेक्ट संविधान नहीं है, कुछ ना कुछ तो सोसाइटी के हिसाब से आगे चल के इसमें चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, और टाइम टू टाइम चीजों को चेंज करने की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो इसीलिए यहां पर बोला गया कि अमेंडमेंट का भी यहां पर कॉन्सेप्ट रखा गया कि आगे चल के आप लोग इसमें अमेंडमेंट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी। और इसीलिए आज की डेट में आप लोग देख सकते हैं लगभग 100 के एयरफेयर में हम लोग यहां पर इसकी में आज की डेट में अमेंडमेंट कर चुके हैं। तो इस तरीके से देखिए चीजें चलती हैं। आप लोगों को स्टार्टिंग में कोई भी काम करना स्टार्ट करना पड़ता है, इसके बाद में उसको कोई कमियां होती है उसको सुधार के आप लोग आगे बढ़ते हैं, और प्रैक्टिस 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 जितना भी आप लोग कर पाते हैं उतना ही आप लोगों को परफेक्शन की तरफ को आप लोग पहुंच जाते हैं। तो प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है जो आप लोगों को परफेक्ट बनाती है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ यहां पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा परफेक्ट बनाने की कोशिश की जाती है इसमें अमेंडमेंट कर। तो ऐसे ही आज हम एक अमेंडमेंट के बारे में जिक्र करने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहले आप लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब 26 नवंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडेप्ट किया गया था, 26 नवंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडेप्ट किया गया था, उस टाइम पर यह ओनली इंग्लिश में अडेप्ट किया गया था, ठीक है। ओनली इंग्लिश वर्जन ही इसका अडेप्ट किया गया था, जो 26 नवंबर 1949 को इसको अडेप्ट किया गया था। पर लेकिन आगे चल के 26 जनवरी 1950 में फिर यहां पर हिंदी को भी इंक्लूड कर लिया गया था, जो इसका हिंदी का वर्जन था। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि स्टार्टिंग में जब यहां पर देखने को मिला ऐसा कुछ बोला भी नहीं गया था कि फ्यूचर में अगर हम इसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं कुछ चेंज कर रहे हैं तो हम उसको हिंदी में भी कन्वर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो कुछ ऐसी बात भी यहां पर देखने को नहीं मिली थी। तो फिर यही कुछ चेंजेस आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया 58वां 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहां पर किया गया 1987 में, और कुछ चेंजेस आप लोगों को यहां पर देखने को मिले। तो यही आज का हमारा चैप्टर है, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। तो इसी के ऊपर हमारा लेक्चर आज की डेट में चलने वाला है। तो ओरिजिनली अगर हम बात करें आप लोगों को, जैसे मैंने अभी बताया हिंदी से रिलेटेड प्रोविजन नहीं था, पर लेकिन आगे देखने को यहां पर चीजें मिली, फिर हमको 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया यहां पर ये 1987 में, तब जाकर यहां पर चीजें चेंज हुई। आखिर कहां पे चेंज किया गया, आर्टिकल याद आप लोगों को रखना है, ये आर्टिकल में यहां पे 394 आर्टिकल में एडिशन किया गया। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं ए, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था अगर कोई भी पार्ट अमेंडमेंट करके ऐड किया जाता है तो उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं, तो जहां पे भी आप लोगों को कैपिटल लेटर में दिखा मिले इसका मतलब अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। तो पार्ट लास्ट पार्ट में आप लोगों को पता है कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट है, ठीक है, तो लास्ट पार्ट में इसको यहां पर ऐड किया गया 22 पार्ट जो है यहां पर आर्टिकल 394 में ये एडिशन किया गया, ओके। तो अब बात तो हो गई कि चीजें हिंदी में भी होनी है, कई सारी बातें यहां पर निकल के आती हैं, पर लेकिन अब हिंदी भी हमारे यहां पर कई तरीके से बोली जाती है। आप लोग देख सकते हैं नॉर्थ इंडिया में किसी तरीके की हिंदी बोली जाती है, थोड़ा सा नीचे को चलो तो किसी और तरीके की, और ईस्ट में जाओ तो और तरीके की, और वेस्ट में जाओ तो और तरीके की, ठीक है। आप लोग नॉर्मली रेल कहते हैं, हम कहते हैं ट्रेन पकड़ लेते हैं, रेल पकड़ लेते हैं, हिंदी में अगर उसको आप लोग नाम सुनेंगे तो आप लोग चक्कर खा के गिर जाएंगे। हिंदी में उसको बोला जाता है धुक धुक लोपत गामिनी, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब कई सारे वर्ड ऐसे हैं, तो अब हिंदी यूज करनी है तो कैसी यूज करनी है, कौन से स्टाइल की यूज करनी है, कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करनी है, तो वो सारी बातें भी यहां पर निकल के आने लगी। तो ये सारी बातें यहां पर प्रेजिडेंट को दी गई कि प्रेजिडेंट के हाथ में पावर है कि प्रेजिडेंट के अंदर ये सारी चीजें होनी है, ठीक है, किस तरीके से ट्रांसलेट करना है चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी लैंग्वेज में, क्या स्टाइल रहना है, क्या टर्मिनोलॉजी रहनी है, किस तरीके से ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट हम लोगों को यहां पर लेके आना है। तो सेंट्रल एक्ट इन हिंदी की बात यहां पर निकल के आई, ठीक है। उस टाइम पर देखा गया कि क्या क्या हमको चीजें किस तरीके से रखनी है। फिर आगे देखते हैं यहां पर कि देखिए अमेंडमेंट जितने भी होते हैं हर एक अमेंडमेंट को बोला गया कि हम लोगों को हिंदी में भी यहां पर अमेंडमेंट को चेंज करना है, मतलब हिंदी में हम लोगों को अमेंडमेंट लिखने हैं, ये एवरी अमेंडमेंट ट्रांसलेट करना है हिंदी से, इंग्लिश से हिंदी में। और इसके साथ में आप लोगों को यह भी याद रखना है यहां पर जो सबसे बड़ी बात है, आप लोग चेंज तो कर दीजिए इसको हिंदी से इंग्लिश में, ठीक है, वो इंग्लिश से हिंदी में,
पर लेकिन जो ओरिजिनलिटी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। पता चला कि था कुछ और हिंदी में आप लोगों ने उसको कन्वर्ट करके बना कुछ और दिया, बिल्कुल उसी तरीके का यहाँ पर होना चाहिए जिस तरीके की यहाँ पर ओरिजिनलिटी इंग्लिश में है, सेम उसी तरीके का आप लोगों को कन्वर्ट इसको हिंदी में करना है। कोई भी यहाँ पर चेंजेस इसके अंदर नहीं दिखना चाहिए। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है यहाँ पर इस तरीके से चेंज करने में, तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर काम करना होगा कि कोई भी डिफिकल्टी आती है तो हिंदी के जो टेक्स्ट है उनको रिवाइज किया जाएगा। ठीक है, सारा मैटर यहाँ पर कनेक्टेड रहेगा प्रेसिडेंट से। ओके, तो मैटर को यहाँ पर रिवाइज किया जाएगा उसी के सुटेबल के, उसकी सुटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आराम से यहाँ पर उसको चेंज किया जा सके। क्योंकि बहुत सारे वर्ड आप लोगों को जानने को मिलते हैं, ठीक है, छोटे छोटे वर्ड आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, एक एक साइड में कुछ बोलते हैं, दूसरी साइड में उसको जाकर कुछ बोलने लगते हैं, जरा जरा सी मात्रा भी चेंज होने लगती है, तो वो सब काम नहीं होना है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसी पर्टिकुलर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, किसी पर्टिकुलर स्टेट का संविधान नहीं है, हमारी कंट्री का संविधान है ये। तो हमारी कंट्री का संविधान हमारी पूरी कंट्री के लिए इक्वल होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये एक स्टेट के लिए कुछ और समझ में आ रहा है और दूसरे स्टेट के लिए कुछ और समझ में आ रहा है और अलग अलग अपने हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन निकाला जा रहा है, तो वो सब चीजें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, तो 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया यहाँ पर 1987 में। तो देखिए स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में, ये इंग्लिश लैंग्वेज में था, फिर ट्रांसलेट किया गया हिंदी में इसको, और इसका हिंदी वाला वर्जन भी यहाँ पर अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में। और प्रेसिडेंट यहाँ पर थे उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उन्हीं की अध्यक्षता के अंदर ये सारी चीजें हुई। यहाँ पर साइन भी किया गया सब मेंबर के जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे। ठीक है, लैंग्वेज स्टाइल क्या टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए उस पर ध्यान रखने की बात की गई कि हाँ उनको उस तरीके से लेके चलना है कि कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट न हो जाए। और ट्रांसलेट करने की बात की गई कि जितने भी सारे अमेंडमेंट पब्लिश होंगे उन सबको भी हिंदी में ट्रांसलेट किया जाएगा। और इसी तरीके से देखिए गजट में चीजें आएंगी, इंडियन गजट ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होता है, वहां पर भी आप लोगों को ये हिंदी में चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कंप्लीट फोकस यहाँ पर हिंदी से रिलेटेड हम लोग ऑलरेडी एक लेक्चर देख चुके हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो निर्माता थे उन्होंने ये बोला था कि हमको पूरी कंट्री को एक सूत्रधार में पिरोना है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पर एक लैंग्वेज होनी चाहिए। तो वो बातें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर में। जिस किसी ने भी सारे लेक्चर नहीं देखे हैं पुराने वाले, वो देख सकता है, वीडियो के नीचे आप लोगों को सारे लिंक मिल जाएंगे सब लेक्चर्स के। ठीक है, तो जाके आप लोग देख सकते हैं। वहां पर भी हम लोगों ने जिक्र किया था कि किस तरीके से हिंदी को जब हम लोगों ने बोला कि पूरी कंट्री में इंप्लीमेंट करना है, तो जो नॉन हिंदी स्टेट है आप लोग देख सकते हैं, नॉन हिंदी स्टेट जो नीचे वाले स्टेट हो गए, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, यहाँ पर बातें निकल के आने लगी कि हिंदी हमारे लिए ऐसी है जैसी आप लोगों के लिए इंग्लिश या दूसरी लैंग्वेज। ठीक है, तो इसीलिए पहले आप लोगों को एक तरीके से इन्वायरमेंट उसका बनाना चाहिए, पहले लोगों को समझ में तो आनी चाहिए, पता चला लोगों को समझ में आ नहीं रही है आप उसको इंप्लीमेंट कर दे रहे हैं, तो वो सारी बातें भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये अमेंडमेंट आप लोग काफी इस डायरेक्शन में काफी हम लोगों को फायदा पहुंचाने वाला है, ताकि जिससे कि ऑल ओवर कंट्री में हमको एक लैंग्वेज का पैटर्न देखने को मिले। इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं जितने भी एग्जाम हमारी कंट्री में होते हैं उनके पेपर जो होते हैं इंग्लिश में रहते हैं, और उसके साथ साथ वहां पर हिंदी में भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, वो यही रीजन है कि हम पूरी कंट्री में एक लैंग्वेज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बातें लिखी गई थी। वहां पर तो ये बोला गया था कि 1960s के एयरफेयर में उसके बाद में आप लोगों को चीजें इंप्लीमेंट कर देनी चाहिए। ठीक है, 1960s में, पर लेकिन वो 60s में चीजें नहीं हो पाई, फिर आगे चीजें बढ़ गई इसी तरीके से, और उसको बोल दिया गया देखते हैं अब कब तक इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो वो पुरानी ही बातें चली आ रही है, कोई नई बातें नहीं है यहां पर। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ा प्रीएम्बल की। देखिए प्रीएम्बल के बारे में कई बार आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन रहता है, हालांकि एक लेक्चर कंप्लीट प्रीएम्बल के ऊपर है, पर फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। स्टार्टिंग में तो प्रीएम्बल को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना जाता था, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, स्टार्टिंग में पार्ट नहीं माना जाता था, लेकिन बाद में इसको केशवानंद भारती केस की वजह से जब सुप्रीम कोर्ट केस पहुंचा तो उस टाइम पर बोला गया कि प्रीएम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, केशवानंद भारती 1973 में। ठीक है ना, तो जब वो केस आया उस टाइम पर आप लोगों को पता है बेसिक स्ट्रक्चर का भी कॉन्सेप्ट निकल के आया, तो वहीं से ये सारी बातें निकल के आई। तो प्रीएम्बल के बारे में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। यहाँ पर कई सारे वर्ड पूछ ले जाते हैं किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये सोवरेनिटी, यहाँ पर सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेसी, ये कई बार वर्ड भी मिलाने के लिए आ जाते हैं कि पहले कौन सा है बाद में कौन सा है, तो कुछ बातें आप लोग यहां पर पता होनी चाहिए। जस्टिस कौन कौन सा है यहां पर, जस्टिस यहां पर आप लोग देख सकते हैं सोशल है, इकोनॉमिक है और पॉलिटिकल, तो तीनों तरीके का यहां पर जस्टिस देखने को मिलता है। लिबर्टी की बात की जाती है, इक्वलिटी की बात की जाती है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के बारे में पता होना चाहिए। ओके, आइए कुछ क्वेश्चंस यहां पर देख लेते हैं, पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आप लोगों को वीडियो को पॉज कर देना है और उसके बाद में आप लोगों को आगे बढ़ना है। ठीक है, तो उसी तरीके से आप लोगों को देना है जिस तरीके से आप लोग पेपर देते हैं एग्जाम में।
तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद में आंसर देना है, तब आगे बढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया को किस किस पार्ट में मानते हैं कि यहाँ से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट होता है, मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का माइंड रिफ्लेक्ट होता है यहाँ पर, मतलब कौन सा आप लोग बोल सकते हैं कि एक पार्ट को देखने से हमको पता चल जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है। तो आप लोगों को आंसर देना है, प्रीएम्बल है, फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटी है। तो देखिए ये सारे अलग अलग पार्ट है, पर लेकिन अगर आप प्रीएम्बल को पढ़ेंगे जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया, तो प्रीएम्बल को पढ़ने से आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। इसका आप लोग एग्जांपल भी दे सकते हैं, कृष्णा स्वामी अय्यर जी ने ये बोला था कि जो हम लोगों ने ड्रीम में सोचा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, वो सारी बातें हम लोगों ने प्रीएम्बल में लिखी है, ठीक है। तो प्रीएम्बल आप लोग बोल सकते हैं कि फेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको पढ़ने के बाद में कोई भी इंसान बता सकता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें हैं, एक ओवरव्यू दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर बात की गई है जो राइट्स दे रखे हैं हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके बारे में स्टेटमेंट दी गई है। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन, ऐसा कुछ है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये यहाँ पर अपोजिट बात बोली गई है, मतलब क्लेम ऑफ द स्टेट बोला गया है जबकि उल्टा है। यहाँ पे क्या है, राइट आर द क्लेम ऑफ सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, मतलब देखिए हमारे जो संविधान के निर्माता है उनको ये लगता था जिस तरीके से अंग्रेजों ने हमारे ऊपर रूल किया है उसी तरीके से आने वाले टाइम में हो सकता है कि हमारे यहाँ के जो पॉलिटिशियन है वो भी कुछ ऐसी हरकतें कर सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने फंडामेंटल राइट डाल दी यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे कि कोई भी हमारे ऊपर कोई अथॉरिटेटिव रोल न कर सके, और अगर कोई भी ऐसा कुछ करना चाहता है, हमको सप्रेस करना चाहता है, हमको कुछ भी हमारे साथ में कुछ ऐसा काम करना चाहता है जिससे कि हमारी फ्रीडम खत्म होती है, तो हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट है हमारे यहां पर। तो ये है राइट्स आर क्लेम्स ऑफ सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, जिससे कि स्टेट जो है वो यहां पर डिक्टेटरशिप ना करे, ओके। तो तीसरा यहां पर आंसर हो गया प्रिविलेज, तो ये कभी है ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ठीक है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में, ठीक है। पहले तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड की गई थी, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। राइट तो स्टार्टिंग से थे पर लेकिन ड्यूटी जो थी वो बाद में निकल के आई थी। तो पहले क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस के द्वारा क्या किया जाता है, इनको इन्फोर्स किया जाता है, मतलब फंडामेंटल ड्यूटी के लिए हम लोगों ने लॉ बना रखा है उसको इन्फोर्स करने के लिए, तो इस तरीके की बातें बोली जा रही है। आप लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, हमसे जबरदस्ती कोई कुछ करवा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात क्या बोली गई है, दे आर को रिलेटिव टू द लीगल ड्यूटीज। लीगल ड्यूटीज क्या होती हैं, वो ड्यूटीज होती हैं जो कोई एक्ट बनाकर इंप्लीमेंट की जाती हैं। तो कोई एक्ट बनाकर ये इन्फोर्स की जा रही है हमारे यहाँ, हमारे ऊपर इन्फोर्स की जा रही है कि हमको ये काम करना है, नहीं जी बिल्कुल नहीं की जा रही है। फंडामेंटल ड्यूटी हमारी ड्यूटी है जो कि हमको खुद समझनी चाहिए और खुद उनको फॉलो करना चाहिए। जिस तरीके से हम लोग फंडामेंटल राइट को एंजॉय करते हैं उसी तरीके से हम लोगों को फंडामेंटल ड्यूटी भी अपना फोकस करना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल आप लोग इसको उसी तरीके से समझ सकते हैं, स्पाइडरमैन का डायलॉग है, ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो वही बात आप लोग यहां पर भी देख सकते हैं, अगर हम लोगों को फंडामेंटल राइट की पावर दे रखी है तो हमको फंडामेंटल ड्यूटी को भी समझना चाहिए, तो उसी तरीके से हम लोगों को इनको लेकर चलना चाहिए। तो कोई सा भी यहां पर सही नहीं है, ठीक है। तो दोनों यहां पर गलत आंसर है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, देखिए छोटा सा चैप्टर था ये, आप लोग चीजों को साथ साथ में फॉलो भी करते रहिए। सोर्स आप लोग लक्ष्मीकांत को रेफर कर सकते हैं यहाँ पर, उसके साथ में एंटरटेन कर सकते हैं चीजों को सब, और चीजों को रिवीजन भी करते रहिए सारे, ठीक है। एक एक पॉइंट कवर करके चलूंगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं, वरना इस तरीके का चैप्टर कोई कवर करने का मतलब बनता नहीं है, पर मुझे लगा कि कवर करना चाहिए फिर भी मुझे, ठीक है। तो मैं कोई भी पॉइंट यहाँ पर छोड़ के नहीं चल रहा हूँ, एक एक पॉइंट कवर करके चल रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से करके चलिए और अच्छे से एंजॉय कीजिए अपनी पढ़ाई को, और रिवीजन जरूर करते रहिए। फिर से बोलूंगा मैं, प्रीएम्बल वाला चैप्टर आज लोग आप जाके अभी देख सकते हैं, आप लोगों के माइंड में बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगी उसको देखने के बाद में, कि हमारा प्रीएम्बल है क्या, क्या क्या बातें हैं, कौन कौन से केस डिस्कस किए हैं, पूरा डिटेल में डिस्कस कर रखा है मैंने वो, ठीक है। सारे लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी वीडियो के जस्ट नीचे। अपने आसपास में सफाई रखिए जितना हो सकता है, पानी और पेड़ पौधों को भी सेव कीजिए, और मिलजुल के रहिए और इंजॉय कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।